Today your topic is numerical problems on the EM waves. EM waves पर बेस्ड कुछ numerical problems हम discuss करेंगे। ये हमारी class 12th unit 5th EM waves EM study कर रहे हैं। इससे पहले हम EM spectrum को हम कर चुके हैं। EM spectrum में हमने types of the waves पढ़ा है, 7 types की होती हैं। फिर उनके हमने frequency पढ़ी है, उनकी wavelength पढ़ी है, उनका production और उनके uses हम कर चुके हैं। तो उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किस तरह से हम निकाल सकते हैं, वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किसी भी वेव की, हम रेडियो वेव्स की, माइक्रोवेव्स की, इंफ्रारेड की, गामा की, किस वेव की किस तरह से निकालेंगे, तो इसी पर बेस्ड है हमारी आज की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम करते हैं फॉर्मूला यूज्ड, एंड ये हमारी फॉर्मूला सीट है, जो फॉर्मूला आपको यूज करने होंगे। तो ये हमारे मेन फॉर्मूला है, तो हम डिस्कस करते हैं फॉर्मूला यूज। तो पहला है हमारा रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जब भी हमें निकालनी होंगी तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। न्यू यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमारी वेवलेंथ है, तो ये हमारी यहाँ पे सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब भी हमें फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ निकालनी होंगी तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। सेकेंड, स्पीड ऑफ द लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है हमारी, हमने अभी किया है सी। तो ये जब हमें एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव दे रखी हो तो सी हम किस तरह से निकालेंगे, तो सी इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन में बी नॉट। ई नॉट क्या हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक वेव, बी नॉट क्या हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक वेव्स। तो जब भी हमें एम्पलीट्यूड निकालने होंगे तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। थर्ड फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। न्यू यहां पे क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएम वेव्स। तो इस फॉर्मूला को हम निकालेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए। फोर्थ है हमारा वेव कांस्टेंट। वेव कांस्टेंट होता हमारा के, तो के बराबर डब्ल्यू बाई सी। तो ये क्या हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन में सी स्पीड ऑफ द लाइट। लास्ट है हमारा फिफ्थ है जनरल इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक वेव इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में यदि वेव मूव हो रही है, ये हमारी वेव है ईएम वेव्स, तो इस तरह से एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसके लिए हम जनरल इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, ये हमारी इलेक्ट्रिक वेव्स हैं, तो इसके लिए जो जनरल इक्वेशन होगी वो होगी ई इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू में आई कैप। आई कैप क्या किसके लिए, ये इस डायरेक्शन के लिए हमने क्या लिया है आई कैप। तो ये जो हाइट होगी इसकी, ये होगी हमारी ई नॉट, तो एम्पलीट्यूड है। तो ये आ जाएगा हमारा के क्या है यहाँ पे वेव कांस्टेंट, एक्स क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा क्या है यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टी क्या है टाइम पीरियड। तो इस तरह से हम इस जनरल इक्वेशन को यूज करेंगे। तो इन्हीं मेन फॉर्मूला पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। तो अब करते हैं हम फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है हमारी, तो द वेवलेंथ ऑफ एक्स रे इज 1 एंगस्ट्रॉम, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। हमें एक्स रे दी हुई है और उसकी वेवलेंथ दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन लैम्डा हमें दिया हुआ 1 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब है 10⁻¹⁰ मीटर। सी हमें पता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, और हमें क्या फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो हम यहां पे देखेंगे कि लैम्डा भी है और यहां पे फ्रीक्वेंसी भी है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होती है। तो फॉर्मूला यू बराबर सी बाई लैम्डा। सी हमें पता ही है तो रख देंगे वैल्यू, लैम्डा भी हमें दिया हुआ है ये भी रखेंगे, तो क्या आएगा 3×10⁻¹⁸ एच जेड। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स रेज। तो इस तरह से आप फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर सकते हो। सेकेंड हम करेंगे, ए ईएम वेव हैज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3×10⁻¹⁵ एच जेड। कोई ईएम वेव है उसकी हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये वाली वैल्यू उसकी फ्रीक्वेंसी है, व्हाट इज इट्स वेवलेंथ, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, एंड नेम द ईएम वेव, और आपको अब नाम भी बताना है कि ये कौन सी ईएम वेव है। तो किस तरह से करेंगे, पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है वो देखेंगे। गिवन है हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3×10⁻¹⁵ एच जेड, हमें पता है वेवलेंथ हमें निकालनी है, तो वेवलेंथ और इसमें रिलेशन क्या होती है, तो उसमें क्या आती है सी आती है, तो सी हमें पता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला यूज करेंगे लैम्डा और आर सी बाई न्यू, वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या आ गया ऊपर जाएगा 10⁻⁷ मीटर। तो ये आ गई उसकी वेवलेंथ।
अब हम देखना होगा कि फ्रीक्वेंसी ये है, तो जो फ्रीक्वेंसी रेंज है तो ये किस रेंज में आती है, तो ये आती है हमारी अल्ट्रा वायलेट रेंज। तो यहाँ पे हम कौन सी वेव बनेंगी हमारी, ये यूवी रेंज। तो हम फ्रीक्वेंसी के बेस पे या फिर वेवलेंथ के बेस पे हम कह सकते हैं कि ये वेवलेंथ किस रेंज की होती है, ये हमारी यूवी रेंज की रेंज में आती है। तो ये हमारी यूवी रेंज है और इसकी वेवलेंथ ये होगी। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। आगे थर्ड प्रॉब्लम क्या है, ए रेडियो कैन ट्यून इन एनी स्टेशन बिटवीन 7.5 मेगा एचजेड टू द 12 मेगा एचजेड बैंड। कोई हमारा रेडियो है वो ट्यून करता है किसी स्टेशन को, कैच कर रहा है वो, जिसकी बैंडविड्थ में दे रखी है, बैंड फ्रिक्वेंसी हमें दे रखी है 7.5 से 12 मेगा एचजेड। तो हमें निकालना है व्हाट इज कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगी। तो किस तरह से निकालेंगे हम इस टाइप की प्रॉब्लम को, सबसे पहले करेंगे गिवन लेट, हमें क्या दिया हुआ है न्यूबन, पहली फ्रिक्वेंसी दी हुई है कहाँ से है, 7.5 से 12 तक है। तो न्यूबन क्या होगी, 7.5 एम एच जेड, एम की वैल्यू हमें पता है 10 to the power 6। ऐसे ही सेकंड क्या हो जाएगी हमारी, 12 एम एच जेड, 12 into 10 to the power 6 एच जेड। तो हमें क्या निकालनी है, इसकी लैम्डा 1 निकालनी है, इसके लिए लैम्डा 2 निकालनी है। तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, लैम्डा 1 सी बाई न्यू 1 वैल्यू रखेंगे और इन्हें करने के बाद आएगा हमारा 14 मीटर, यानी 40 मीटर क्या होगी हमारी फर्स्ट वेवलेंथ होगी। सेकंड निकालेंगे सी बाई न्यू 2, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और आएगी हमारी 25 मीटर। तो सेकंड हो गई हमारी 25 मीटर, तो कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या हो गई हमारी 40 मीटर टू द 25 मीटर। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं और ये कई बार हर सीबीएसई एचबीएससी बोर्ड में आता है। फोर्थ हम करते हैं, ए रेडियो कैन ट्यून इन एनी स्टेशन बिटवीन 100 मीटर टू द 50 मीटर। अब क्या है, इसका हमें रिवर्स क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है 100 मीटर टू, इतने ये इसकी वेवलेंथ दी हुई है, फाइंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी बैंड। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी बैंड क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है और कमेंट करना है आपको इसके लिए आंसर की, इसका आंसर क्या आएगा, तो कमेंट योर आंसर। तो आगे करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, ए ईएम वेव हैज द इक्वेशन, ईएम वेव है उसकी इक्वेशन दी हुई है, ई बराबर 3.0 कॉस 1.8y प्लस के 5.4 इंटू 10 to the power 8 टी इंटू आई कैप। तो ये क्या हमारी आई डायरेक्शन में दी हुई है ये इक्वेशन हमें, तो हमें फाइंड करने हैं कुछ पैरामीटर्स निकालने हैं, हमें क्या क्या वो पैरामीटर्स हैं, हमें निकालना है कि ई नॉट यानी कि इलेक्ट्रिक का जो एम्पलीट्यूड वो क्या होगा, सेकेंड हमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालनी है, वेव कॉन्स्टेंट निकालना है या वेव नंबर निकालना है, ये क्या हमारी फ्रिक्वेंसी है, ये हमारी वेवलेंथ है और ये वी नॉट यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमें पैरामीटर्स, 6 पैरामीटर हमें फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड्स एग्जाम में, तो किस तरह से इन्हें सॉल्व करेंगे, हमने सारे पैरामीटर्स किए, इसमें से वो कुछ भी पूछ सकता है, ये पूछे लैम्डा क्या होगी या फिर बी नोट क्या होगी, वो कुछ भी पूछ सकता है, हमने यहाँ पे सारे पैरामीटर्स लिए हुए हैं। तो किस तरह से ट्राई करेंगे, तो गिवन हमें दिया हुआ है, हमें पता है जनरल लर्न कॉन्सेप्ट फिजिक्स बाय एमएस चौहान, थैंक्स फॉर वाचिंग लर्न कॉन्सेप्ट फिजिक्स। जनरल इक्वेशन ऑफ द ईएम वेव इन एक्स डायरेक्शन इज, तो एक्स डायरेक्शन में जनरल इक्वेशन क्या होगी हमारी, ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आई के, वैसे हमने यहाँ पे कॉस है तो कॉस की फॉर्म में लिखेंगे जब इस इक्वेशन, तो क्या हो जाएगी, ई बराबर ई नोट कॉस के वाई प्लस ओमेगा टी आई कैप। तो अब क्या करेंगे हम, ये वाली इक्वेशन इसे हम सेकंड मान लेंगे, तो ये वाली हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, तो दोनों को हम क्या कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करते हैं, तो सबसे पहले देखिए ई नोट, तो ई नोट क्या है हमारा निकल के 3.0, तो पहला पैरामीटर क्या हमारा ई नोट 3.0 न्यूटन पर कूलम। सेकेंड हमें निकालना है यहाँ पे क्या आएगा हमारा ओमेगा, तो ओमेगा कहाँ पे है ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे क्या है 5.4, तो लिख देंगे हम यहाँ से 5.4 इंटू 10 to the power 8। थर्ड पैरामीटर हमारा के है यानी कि वेव नंबर, तो के कहाँ है यहाँ पे ये रहा, तो के क्या है ये रहा, तो क्या आएगा हमारा 1.8 रेडियन पर मीटर, या फिर इसे हम इन दोनों की हेल्प से सॉल्व भी कर सकते हैं, के बराबर ओमेगा बाई सी, ओमेगा की वैल्यू रखेंगे सी की और ये आएगा, तो यहाँ सीधा हम कंपेयर करेंगे तो 1.8 रेडियन पर मीटर।
थर्ड हमारा आए न्यू, तो न्यू क्या होती है हमारी ओमेगा अपॉन में 2 पाई, तो ओमेगा की वैल्यू हमें पता है पाई की रखेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करके हमारी ये आ जाएगी 8.6 × 10⁻¹⁷ एच टेल्ड। आगे हमारी वेवलेंथ क्या होती है, सी बाई न्यू होती है, सी की वैल्यू रखेंगे, न्यू की वैल्यू हमने अभी निकाली है, तो ये आ गया हमारा 3.49। अब हमें क्या निकालना है, बी नॉट, तो बी नॉट कैसे निकालेंगे, हमें पता है बी नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन सी, तो ई नॉट की वैल्यू हमें पता है 3.0, सी की वैल्यू पता है, तो 3 से 3 कैंसिल, तो एक आएगा 10⁻¹ टेस्ला, इसे हम लिख सकते हैं 10 नैनो टेस्ला, 10⁻⁹ होता है नैनो में, ये बन गया 10 नैनो टेस्ला। तो इस तरह से हम इस टाइप के हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको एक प्रॉब्लम लगानी है कि यदि आपको बी नॉट इक्वल टू दिया हुआ 100 नैनो टेस्ला और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 Hz, तो व्हाट ऑल द ऑल पैरामीटर्स, तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ये सारे पैरामीटर्स हमको फाइंड करना है, तो ये क्या करना है आपको, कमेंट योर आंसर्स। थैंक यू। लर्न कॉन्सेप्ट फिजिक्स बाय MS चौहान, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।